प्रिय विद्यार्थियों, DSS ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग एक के पार्ट 9 टिकट एल्बम के बारे में बताऊंगी। टिकट एल्बम के लेखक सुंदरा रामा स्वामी जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। सुंदरा रामा स्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु के थेजुविया महादेवर कोविल नामक एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के वर्षों को कोट्टायम त्रावणकोर में बिताया, जहां उनके पिता बर्मा आयल एजेंट के रूप में काम करते थे। तमिल उनकी मूल भाषा थी। सुंदरा रामा स्वामी जी की मूल भाषा तमिल थी। जब वह 10 वर्ष के थे तो उन्हें गठिया रोग हो गया था। सुंदरा रामा स्वामी जी जब 10 वर्ष के ही थे तो उन्हें गठिया रोग हो गया था और इस कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्होंने 18 साल की उम्र में तमिल वर्णमाला सीखी। अपनी माँ के माध्यम से उन्हें स्थानीय भाषा माड़ीकोडी और प्रसिद्ध तमिल लेखकों का पता चला। रामास्वामी ने साहित्यिक आलोचना और निबंधों के विषय में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजी से मलयालम और उपन्यासों से कविताओं का अनुवाद किया है। एक कवि के रूप में रामास्वामी का उत्पादन हालांकि मात्रात्मक रूप से विशाल नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरा रामास्वामी को एक कवि के रूप में मात्रात्मक रूप से वो विशाल नहीं है, लेकिन वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 2005 को 74 वर्ष की आयु में सुंदरा रामा स्वामी जी का निधन हो गया। अब हम उनकी प्रमुख कृतियों और पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने कलचुवाडु नामक एक साहित्यिक पत्रिका को संपादित और प्रकाशित किया। अनुवाद कार्य, उन्होंने मलयालम से तमिल में ठाकजी शिवशंकरा पिल्लई के केमेमेन और ठाटी युद्ध मगन का अनुवाद किया। प्रमुख उपन्यास औरू पुलिया मार्थिन कथई द स्टोरी ऑफ ए तामारिंड ट्री 1966 उनका पहला उपन्यास था। कुंज थालिक बाल महिला पुरुष, पहली कविता अनकाई नागम काव्यात्मक उपनाम पासुविया के तहत लिखी। अब उनके हम प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानेंगे कि उन्हें किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। कुमारन असन मेमोरियल अवार्ड, उनको कुमारन असन मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2001 में लाइफ टाइम की उपलब्धि के लिए तमिल साहित्य गार्डन द्वारा इयाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में कथा चुनमणि पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये था टिकट एल्बम के लेखक सुंदरा रामा स्वामी जी के जीवन के बारे में। अब हम टिकट एल्बम के सारांश को जानेंगे। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा रामा स्वामी जी द्वारा लिखी गई एक बालप्रद कहानी है। कहानी में राजप्पा नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है, जिसे टिकट बनाने का बहुत शौक है। वह टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। स्कूल से घर लौटने पर वह मीलों पैदल चलकर टिकट लाने जाता था। कभी कभी वह अपने 2 टिकट देकर उनका 1 टिकट खरीद लाता था। इस प्रकार उसने एक भारी भरकम टिकट एल्बम बना लिया था, जिसके कारण कक्षा में उसकी धाक जम गई थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आया जब कहानी में पढ़ने वाले ही उसका जो सहपाठी नागराजन था, तो उसके मामा ने उसे सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेज दिया और वह बहुत ही सुंदर था, जिसे कक्षा में सभी लोगों ने पसंद किया। अब नागराजन की धाक जम गई थी, जिसके कारण राजप्पा को कोई पूछता ही नहीं था। राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगा।
अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कक्षा के सभी लोग उसे चिढ़ाने लगे, जिससे उसका मन विद्यालय जाने को भी नहीं कहता था। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर मिलने गया। घर पर नागराजन नहीं था। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया हुआ है। अकेले कमरे में बैठे होने के कारण दराज में रखे हुए नागराजन के एल्बम को राजप्पा ने चुरा लिया और कमीज के नीचे खोसकर वह घर चला गया। शाम तक नागराजन और उसके सभी दोस्तों को यह बात पता चल गई कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। एल्बम लाकर राजप्पा ने कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया और वह बहुत डर गया था। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब अप्पू आया और उसने बताया कि नागराजन की बहन बता रही है कि तुम ही उसके कमरे में गए थे, अब सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं और उसके पिताजी पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं, हो सकता है उसके पिता पुलिस से शिकायत करें। यह बातें सुनकर राजप्पा बहुत डर जाता है। उसे हर आहट अब पुलिस की लगने लगी। वह अम्मा के दरवाज़ा खटखटाने से भी डरने लगा। जब अम्मा उसकी दरवाज़ा खटखटाती है तो राजप्पा डर जाता है और वह थक हार कर नागराजन के एल्बम को अंगीठी में जला देता है। दूसरे दिन जब नागराजन उसके घर आया तो वह पश्चाताप से भरा होने के कारण वह अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। नागराजन उसके एल्बम को बार बार मना करता है लेने से, लेकिन राजप्पा नहीं मानता है और उसे रोते रोते अपना एल्बम सौंप देता है। तो ये था टिकट एल्बम का सारांश। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।